नहीं दोस्त, यदि आपके घर परिवार के लोग यात्रा कर रहे हैं रेलवे में और उनके साथ कोई अभद्रता हो या उनकी सुरक्षा में कमी हो या कोई सामान छूट जाए या कोई ऐसा व्यक्ति जो कि अपरिचित हो और आपको परेशान करने का प्रयत्न कर रहा हो, तो उन सब चीज़ की सुरक्षा के देखते हुए आरपीएफ ने बहुत सारी सुविधाएं आपको दे रखी हैं, जिसमें आप देख सकते हैं मेरी सहेली के नाम से लड़कियों के लिए विशेषकर, महिलाओं के लिए विशेषकर ये टीम चलाई जा रही है। रेलवे सुरक्षा बल में दो कंपनियां होती हैं, एक कंपनी के रूप में एक थाने के रूप में काम करती है, जो कि रेलवे सुरक्षा बल आपके थाने के रूप में और रेलवे विशेष सुरक्षा बल कंपनी के रूप में काम करती है, जो कि दोनों के संगठन से इसका विशेषकर अभियान चलाया जा रहा है पूरे देश में। किसी भी आप स्टेशन की अगर बात कर लीजिए तो हर एक स्टेशन पे इसका सुरक्षा व्यवस्था बना के चलाया जा रहा है। तो आदि आपके जानने वाला कोई है जो लगातार यात्रा करता है या कभी कभी यात्रा करता है, उनके बीच भी इसको शेयर करिए कि ताकि सभी को जानकारी हो सके कि मेरी सहेली के नाम से आरपीएफ द्वारा टीम चलाई जा रही है। यदि आप यात्रा कर रहे हैं और आपको किसी भी प्रकार का मेडिकल ट्रीटमेंट या आपके सामान भी छूट जाता है तो भी आप मेरी सहेली से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि 139 पे कॉल करिए। उसके बाद आरपीएफ से आप सुरक्षा मांगेंगे। आपको अपना स्टेशन बताना होगा कि किस स्टेशन पर गाड़ी पहुँची हुई है और आप कहाँ तक यात्रा कर रहे हैं, कहाँ से बैठे हैं, कहाँ तक यात्रा कर रहे हैं, किस स्टेशन पे गाड़ी पहुंची है और इसके अलावा अगला स्टेशन आने वाला कौन सा है, वो उससे पता लगा लेंगे। उसके बाद आपको अगले स्टेशन पे पूरी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी और आपकी जो भी तकलीफ है उसको दूर की जाएगी। यदि कोई आतंकवादी या ऐसे व्यक्ति जो नशा लेके जा रहा हो उसके बारे में भी आप सूचना दे सकते हैं, जो कि आपकी दी हुई सूचना को गुप्त रखा जाता है, कभी किसी को जानकारी नहीं दिया जाता है और आपके ही सपोर्ट और सहयोग से इस पूरे देश में आतंकवाद और ये जो ड्रग्स या डोपिंग की चीज़ें चलाई जाती हैं उसको भी खत्म किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए आप लोग को आरपीएफ की सहयोग करना पड़ेगा और मेरी सहेली जो उसकी टीम चलाई जा रही है, जिसमें कि यदि आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है या आपके आसपास कोई व्यक्ति है जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट की उसको आवश्यकता है या उसका सामान छूट गया, आप कॉन्टेक्ट करके अगले स्टेशन पर उतार के आपका सामान सुरक्षित आप तक पहुंचाया जाएगा। यदि मेडिकल की आवश्यकता है तो मेडिकल टीम आपकी पूरी वहाँ पे अगले स्टेशन पे इंतज़ार कर रही होगी। आप जैसे अपने अगले स्टेशन पे पहुँचेंगे आपका सीट नंबर के माध्यम से, आपके ट्रेन के नंबर के माध्यम से आप तक पहुँचा जाएगा और आपको पूरा वहाँ सुविधा मुहैया कराया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको सुविधाएँ दी जाती हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया जो भी रेलवे संबंधी सूचनाएँ होती हैं आपको समय से मिल जाए और भर्ती संबंधी भी सूचनाएँ मिलती रहती हैं। इसके अलावा अगर बात कर लिया जाए 139 एक आपके लिए पूरे इंडिया में फ्री है, आप पूरे इंडिया में इस पे कॉल कर सकते हैं और कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। केवल पूरे इंडिया में 139 ही चलाया जा रहा है ताकि किसी को भी परेशानी ना हो। ये बहुत अच्छा नंबर है, कोई भी आपको सुविधा ना हो या कोई टीटी हो के रूप में या पुलिस के रूप में आप अवैध पैसा ले रहा हो तो भी उसकी शिकायत आप कर सकते हैं और अपने सुरक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप स्टेशन पे भी मौजूद हैं और कोई ऐसी परेशानी है जिससे कि आप परेशान हैं तो भी 139 पे भी कांटेक्ट करके उस परेशानी से भी अपन मुक्ति पा सकते हैं। आप आरपीएफ की जो संरक्षा है उसे ले सकते हैं, मेरी सहेली की पूरा सपोर्ट ले सकते हैं। आप लोग के लिए ही पूरे देश में इस अभियान को छेड़ा गया है ताकि आप लोग सुरक्षित यात्रा कर सकें और हमारी बहन बेटियाँ यदि सुरक्षित रहेंगी तो हम लोग कहीं ना कहीं सुरक्षित अवश्य ही रहेंगे। तो हम लोग का सबसे पहला लक्ष्य है कि बहन बेटियों को सुरक्षित करना, उनका यात्रा सुलभ पहुंचाना और सही तरीके से उनको एक गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का कर्तव्य करने का काम आरपीएफ द्वारा किया जा रहा है। एक मेरी सहेली जो टीम है उसमें आपको मेरी सहेली में पूरी गर्ल्स के अलावा यदि पुरुष की भी आवश्यकता है तो भी आपको वहाँ पुरुष भी देखने को मिलेंगे, लेकिन मेरी सहेली आपका पूरा सपोर्ट करती है और सहयोग करती है। आप उससे ज़रूर जुड़ें, चैनल को लाइक जरूर करें। जय हिंद।